सर्च इज बेसिकली वर्ड विच इज कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। जैसे हमने लिंग्विस्टिक्स पढ़ा, तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमें मालूम है ना सफिक्स प्रिफिक्स का। हमें सफिक्स प्रिफिक्स का पता है ना। ऐसे ही ये क्या है, री सर्च समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड। यू आर सर्चिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो रिसर्च क्या है, समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड और प्रेजेंटेड इज बीइंग स्टडीड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। राइट, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। क्लियर, मीनिंग समझ में आया, व्हाट इज रिसर्च? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब यस मैम। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। सो रिसर्च मैथडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिसर्च मैथड्स, ठीक है। रिसर्च मैथडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिसर्च मैथड्स, ओके। और जो डेफिनेशन आएगी इसकी, और सॉरी कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च। कॉन्टेक्चुअल क्यों? बिकॉज वट एवर टेक्स्ट यू आर रीडिंग, वट एवर कंटेंट यू आर टेकिंग टू रिसर्च अपॉन, इन रेफरेंस टू दैट ओनली यू आर डूइंग अ रिसर्च। सो दैट इज कॉन्टेक्चुअल रिसर्च और कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च। अ कोहरेंट एंड लॉजिकल स्कीम बेस्ड ऑन व्यूज बिलीव एंड वैल्यूज दैट गाइड द चॉइस choices of researcher for other users, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी रिसर्च करते हैं, दैट इज कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च विच इज कोहरेंट एंड लॉजिकल स्कीम या शेड्यूल्ड स्टडी of views, beliefs and values. Okay, got it. It is always associated with the theoretical analysis of, it is always associated with the theoretical analysis of the body of methods and principles particularly related to that branch of knowledge education. This is called like research methodology, which is a theoretical analysis of the body of methods and principles particularly related to a branch of knowledge and education, that is called research methodology. Got it? What are the different definition of of methodology, especially not research but different definitions of methodology? Write down. First aa jayenge yahan pe the analysis of the principles of methods, rules and values employed by a discipline, jo hum already pehle likh chuke hain. Second will be the systematic study of methods that are or can be applied within a discipline. ठीक है, ये लिख लो, the systematic study of methods that can be applied within a discipline. Second will be, मतलब next definition is the study or description of methods, the study or description of methods related to research, that is research methodology. Clear है? Okay. So now there are like different types of methodology in social sciences we have to study.
So basically, in social sciences, there are qualitative methodologies and methods are mostly in use. So we have to study about what are the methodologies used for the study of social sciences. So main scale, the two types of methods are being used. Two types of methods are being used for measurement of research. Measurement of data in research. कौन सी आती है मेन? क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वान्टिटेटिव. ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव. वहीं पे कर लिया, वहीं पे कर लिया था. फोन देखना बंद कर दे, आके वैसे ठीक हो जाए. सारे दिन तो गुस्से रहते पड़े. हाँ चलो, टू टाइप्स ऑफ मैथड्स आर बढ़ जाती है are being used for measurements of data in research, qualitative research and quantitative research. ठीक है, two types of researches are now. Got it? Yes. अब हम लोग देखो इसमें whatever we are doing, but the main thing is कि इसमें आप लोगों को मैं करवाऊंगी क्या क्या. सबसे पहले आज की क्लास में मेन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है उसकी डेफिनेशन के साथ साथ आई वॉन्ट टू गिव यू अ कम्प्लीट how many topics are here and what we are going to take. Fine? हाँ, एक बार मेरे साथ सबसे पहले टॉपिक्स नोट कर लो जो आप लोगों को अभी मेरे साथ मतलब इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजीज के अंदर पढ़ने हैं. ठीक है, लिखो टॉपिक इन यूनिट 10 रिसर्च मेथड्स. इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा डेफिनेशंस, वो मैंने आपको करवा दिया. इसके बाद आपका आएगा एग्जामिनिंग द मेथड ऑफ इवेल्युएशन. एग्जामिनिंग द मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ही आता है, वो मैं करवाऊंगी आपको. देन सोर्सेज ऑफ एरर. थर्ड टॉपिक विल बी इनपुट एंड आउटपुट मेजरमेंट. जो लोग पेपर वन की तैयारी अपने आप कर रहे होंगे उनको थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा. परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्योंकि इसमें कुछ एक टॉपिक रिपीट होंगे ये वाले जो पेपर वन के हैं. ओके, देन आपका आता है इम्पैक्ट असेसमेंट. फिफ्थ विल बी योर स्टेप्स टू राइट साइनोप्सिस, एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स इन रिसर्च. देन thesis writing, referencing and its various type. Then hypothesis testing method. subject oriented methods for research and evaluations. ये आपके topics हैं जो हमको करने हैं. Understood everyone? ठीक है, गुड. सो सबसे पहले जो इसके अंदर आपका आ रहा है योर इवेल्युएशन मेथड, राइट? शुड आई स्टार्ट विद दैट?